वेलकम जी एन एम नर्सिंग कम्प्लीट स्टडी बाय आयुषी चौधरी। टुडे आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड का बेसिक नर्सिंग स्किल्स। अरे ये सेकंड पार्ट है, तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम देख लेते हैं बेसिक नर्सिंग स्किल्स क्या होती हैं। अरे नर्सेज शुड पोजेस बेसिक नर्सिंग स्किल्स इक्वल टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर टू पेशेंट फॉर बीइंग सक्सेसफुल इन देयर फील्ड। नर्सेज शुड कम्युनिकेट वेल विद पेशेंट एंड देयर फैमिलीज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नर्सेज जो है उसका जो बेसिक स्किल्स है वो प्रोवाइड करती है क्वालिटी केयर ऑफ टू द पेशेंट, क्योंकि देखभाल प्रदान करती है। और इसके मतलब बीइंग सक्सेसफुल इसके आधार पर जो इसका जो फील्ड है नर्सेज के अंदर जो है रोगियों से बात करने का कम्युनिकेट होना चाहिए पेशेंट के साथ, उसकी फैमिली के साथ और अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ। उसमें फिर उस फील्ड में उसको एक अच्छा जो है वेल कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब होता है कि एक दूसरे से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। अकॉर्डिंग टू लिंग्विश गोर्ज कम्युनिकेशन मीन्स डैट इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, जो क्योंकि दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन जो है जा रही है वन पॉइंट से दूसरे, मतलब एक पेशेंट और नर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रही है। ये जो जो एक पार्ट होता है ये आर्ट ऑफ नर्सिंग भी, कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है, आर्ट होती है नर्सिंग की। पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, क्या क्या पर्पस, क्या क्या उद्देश्य होते हैं कम्युनिकेशन करने के नर्सिंग के अंदर। इट स्प्रेड इंफॉर्मेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज टू हैव कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो है मतलब एक सूचना जो समय फैली हुई होती है, जो कॉमन एक एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पेशेंट और नर्स के बीच में। इट इम्प्रूव रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। ये जो है मतलब इम्प्रूव्स मतलब अच्छा होना चाहिए, बेहतर बनना चाहिए रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में। इट इनक्रेज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग को इनक्रेज करना चाहिए, पार्टिसिपेशन करना चाहिए डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में जो है वो भागीदारी उसमें बने। इट इंश्योर जॉब सेटिस्फेक्शन, एक कार्य की जो है जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। इट इम्प्रूव्स द रिलेशनशिप ऑफ द पब्लिक विद द गवर्नमेंट एंड द अदर एजेंसीज। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहिए पब्लिक विद गवर्नमेंट के साथ और अदर एजेंसीज के साथ। बैरियर टू कम्युनिकेशन, क्या क्या रुकावटें होती हैं कम्युनिकेशन, क्या रुकावटें होती हैं। फर्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, बैरियर्स एसोसिएटेड विद द रेस्ट्रिक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बॉडी। बैरियर जो है वो एसोसिएट करता है विद रेस्ट्रिक्शन को, रोक रखता है मतलब मानव जो ह्यूमन माइंड है और उसकी बॉडी है। दैट इज़ परसेप्शन मेमोरी एंड अटेंशन आर टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। इसमें है कि रेस्ट्रिक्शन जो उसके बाधाएं उसमें आती हैं ह्यूमन बॉडी और माइंड के बीच में, जो कि है परसेप्शन है मेमोरी है अटेंशन आर टर्म्ड एज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, उस प्रॉब्लम्स को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स आर बोर्न ड्यू टू, इमोशनल बैरियर जो है वो पैदा होती हैं ड्यू टू रीजंस होते हैं उसके, मोटिव एटीट्यूड जजमेंट सेंटीमेंट इमोशन एंड सोशल वैल्यूज, ये इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल जो हैं रुकावटें होती हैं। फिजिकल बैरियर,
pain, fatigue, illness, speech defect, deafness, in which a patient will not like to communicate with the nurse or people around him. फिजिकल बैरियर्स ही होती हैं कि किसी को दर्द हो रहा है, कोई बीमार है, बोल नहीं सकता, कोई बह रहा है, तो पेशेंट जो है वो नर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता इस सिचुएशन में. इंटेलेक्चुअल बैरियर्स, लैक ऑफ नॉलेज, मिस इंटरप्रटेशन ऑफ वर्ड, चेंजिंग द सब्जेक्ट, लो आई क्यू एक्सेट्रा. जब नॉलेज की कमी होती है या फिर कोई मिस इंटरप्रटेशन ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं, सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं या उसका आईक्यू जो होता है वो कम है, तो उससे भी जो है इंटेलेक्चुअल कमियां जो हैं इसमें आती हैं. अब है हमारा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होता है कि जो कोई भी पेशेंट आया है उसको हमारा कैसे उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कैसे उसकी हमें रिपोर्ट बना के एडमिनिस्ट्रेटर को, फिजिशियन को देनी होती है. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग इज़ ए क्लिनिकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द नर्सिंग केयर गिवन टू एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी. रिकॉर्ड जो है क्लिनिकली, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एक डॉक्यूमेंट है रिलेटिंग टू नर्सिंग केयर गिवन. उससे रिलेटेड है कि नर्सिंग केयर गिवन जो नर्स जो है वो एक इंडिविजुअल को, फैमिली को केयर दे रही है, उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड बना है वो क्लिनिकली, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल डॉक्यूमेंट होता है. इसके पर्पस हैं, रिकॉर्ड प्रोवाइड द स्टैटिस्टिक ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. रिकॉर्ड जो है प्रोवाइड करते हैं स्टैटिस्टिक ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है. इट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इंटेलिजेंट पेशेंट केयर मैनेजमेंट. उसको जो प्रोवाइड करते हैं कि एविडेंस होना चाहिए इंटेलिजेंट पेशेंट केयर मैनेजमेंट का करते हैं रिकॉर्ड में. रिकॉर्ड हेल्प मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट. रिकॉर्ड जो है हेल्प होता है मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट वर्किंग इन द वार्ड, जो कि वर्क कर रहे हैं वार्ड में, इन प्रोवाइडिंग डाटा फॉर केस स्टडीज. उसको जो हम केस स्टडीज प्रोवाइड डाटा करते हैं वार्ड के अंदर, तो उसमें भी वो हेल्प करता है मेंटेन रखने के लिए. इट हेल्प इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट एंड नर्सिंग केयर. ये हेल्प करता है डायग्नोसिस में, पेशेंट का डायग्नोज करने में, ट्रीटमेंट करने में और रिसर्च करने फॉर इम्प्रूवमेंट एंड नर्सिंग केयर देने के लिए. इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. इट शुड बी रिटन इन अ क्लियर, एक्यूरेट, अप्रोप्रिएट एंड लेजिलेबल मैनर. रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही साफ होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट सही होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए और लेजिलेबल मैनर में होना चाहिए, सुपाट्य प्रकार से होना चाहिए. इट इज़ ए कॉन्फिडेंटियल डॉक्यूमेंट, थस शुड बी हैंडल्ड केयरफुल्ली. ये कॉन्फिडेंटली जो हमने जो है थस शुड बी हैंड केयरफुल्ली, मतलब ये जो हमारा रिकॉर्ड बनाया है हमने वो सिर्फ एक जिस पर्सन का रिकॉर्ड बनाया है उसी के हाथ में जाना चाहिए. कॉन्फिडेंटली जो बनाया है हमने दूसरे के हाथ में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम उसको एकदम से छुपा के रखते हैं उसको केयरफुल्ली, तो वो उसी के हाथ में हैंडल करना चाहिए या फिजिशियन केयर में जो और जो पेशेंट है उसके हाथ में. इट शुड बी रिटन यूजिंग ब्लैक इंक और शुड बी टाइप फॉर बेटर रीडेबिलिटी. जो मतलब हमें रिकॉर्ड लिखना होता है वो ब्लैक इंक से और बहुत अच्छे से टाइप करना चाहिए ताकि कोई भी बैटर अच्छे से पढ़ सके. इट शुड बी रिटन इमिडिएटली आफ्टर एन इंटरव्यू. इसको इंटरव्यू के बाद, एक रिटन इंटरव्यू के बाद हमें जो रिकॉर्ड है वो लिख लेना चाहिए इमिडिएटली. इट शुड बी ब्रीफ, एक्यूरेट एंड हैव रिलीवेंट फैक्ट. इसमें जो है इसमें संक्षिप्त, मतलब इसमें ब्रीफ होना चाहिए, एक्यूरेट और हैव रिलीवेंट, सही जो रिलीवेंट इसमें फैक्ट्स हैं वही होने चाहिए. रिकॉर्ड शुड बी रियल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट. रिकॉर्ड जो है वो सही होना चाहिए और
फैक्ट पर आधारित होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, फैमिली रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड ये हैं कि हम कैसे कैसे रिकॉर्ड्स उसमें डाल सकते हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स हम बना सकते हैं। तो हम फैमिली रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड, डॉक्टर ऑर्डर शीट, नर्सिंग शीट, वार्ड रिकॉर्ड, अदर रिकॉर्ड होते हैं, TPR चार्ट, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, लैब रिपोर्ट शीट, डाइट शीट, इनटेक आउटपुट चार्ट, फिजियोथेरेपी चार्ट, स्पेशल ट्रीटमेंट शीट एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड्स में होती हैं। प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। अब हमारे रिकॉर्ड को प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे मेंटेनेंस उसका रखना चाहिए। फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कैसे फिल करना चाहिए, कैसे भरना चाहिए। अल्फाबेटिकली भरना चाहिए, मतलब वर्ड माला के क्रम से, न्यूमेरिकल भरना चाहिए नंबर के हिसाब से, ज्योग्राफिकल होना चाहिए ज्योग्राफिकली के हिसाब से, जो हमारा रिकॉर्ड है वो फिल होना चाहिए। गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग, क्या क्या हमें गाइडलाइंस रिकॉर्डिंग के लिए रखनी चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी क्लियर, एप्रोप्रिएट एंड रीडेबल। रिकॉर्ड जो है वो साफ़ होना चाहिए, एप्रोप्रिएट उपयुक्त होना चाहिए और रीडेबल होने चाहिए ताकि कोई भी पढ़ सके। रिकॉर्ड शुड बी रियल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट होना चाहिए। शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस शुड बी, और छोटे और समझने वाले सेंटेंस जो हैं उसमें होने चाहिए। एक्सेप्टेबल एंड स्टैंडर्ड एब्रीविएशन शुड बी यूज, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो उसमें अच्छे से यूज़ होनी चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी साइन विद टाइम डेट एंड बाय द पर्सन हु फिल्ड देम। जो पर्सन उसको फिल कर रहा है रिकॉर्ड को, तो उसके साइन टाइम पे होना चाहिए, उसमें डेट लिखी होनी चाहिए। सेकेंड है हमारा रिपोर्टिंग। अब हम रिपोर्टिंग कैसे मैनेजमेंट करते हैं, रिकॉर्ड तो देख ले कि वो क्लिनिकली, साइंटिफिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि नर्सिंग केयर गिवन देती है उसको, इंडिविजुअल को, फैमिली को और कम्युनिटी को। अब हम रिपोर्टिंग देख लेते हैं। अ रिपोर्ट इज़ ए स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट ऑफ समथिंग डैट वन हैज़ ऑब्जर्व, हियर, डन और इन्वेस्टिगेटेड। रिपोर्ट जो है वो एक स्पोकन है और रिटन भी है, ओरली भी है और रिटन भी है, स्टेटमेंट है जो कि कुछ जो है इसमें डैट वन है जो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं या फिर डन और इन्वेस्टिगेटेड करते हैं, उसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। जो रिपोर्टिंग होती है वो जो कुछ उसमें एरर्स भी आ जाते हैं, शो द एफिशिएंसी होना स्टाफ्स। रिपोर्ट्स जो है वो हमारे जो पेशेंट आया है उसकी जो, उसको जो हम डायग्नोस करेंगे तो हम उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसको हम ओरली भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, कैसे कैसे, और हम उसको रिटन भी लिख लेते हैं। के पर्पस हैं, इट शोज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब इसमें जो है क्वालिटी और क्वांटिटी जो है इसकी, उसकी जो सेवाएं हैं उसको जो है एक मात्रा के एक ओवर पीरियड स्पेसिफिक पीरियड पर ही प्रोवाइड करने चाहिए। एक जो उसका विशिष्ट अवधि है, मतलब उसकी जो स्पेसिफिक टाइम है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी है सर्विस प्रोवाइड करने की, वो उस टाइम पर ही शो करे। इट हेल्प इन इलस्ट्रेटिंग द प्रोग्रेस इन रीचिंग गोल। और ये जो लक्ष्य तक पहुंचने की जो प्रोग्रेस है उसको मतलब हेल्प करने, इलस्ट्रेटिंग करने में सहायता करती है, हेल्प करती है। इन एड्स इन स्टडिंग हेल्थ कंडीशन। जो हेल्थ का जो कंडीशन होती है उसको स्टडिंग करने में भी, उसका अध्ययन करने में भी हेल्प करती है। इन एड्स इन प्लानिंग, योजना बनाने में भी हेल्प करती है रिपोर्टिंग।
principle of reporting. It should be truthful, accurate, appropriate, clear, confident, brief and complete and legible. रिपोर्टिंग जो होनी चाहिए सही सच्ची होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्लियर अप्रोप्रिएट ना गोपनीय होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली ब्रीफ स्पष्ट गोपनीय संक्षिप्त पूर्ण रूप से जो है वो एक लेजिबल लेजिबल का मतलब होता है सुपाठ्य होना चाहिए. रिपोर्ट अ गुड रिपोर्ट इंडिकेट द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द स्टाफ इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज. जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट एक अच्छी रिपोर्ट जो उनके एफिशिएंसी लेवल को जो है स्टाफ को जो है पूरा करने में जो है स्टाफ को एक स्तर को दर्शाती है. मतलब एक जो उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है स्टाफ का उसको एक दर्शाती है कि अगर उन्होंने अच्छी रिपोर्ट बनाई है तो नर्स का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा हो जाता है फिजिशियन डॉक्टर पेशेंट फैमिलीज़ के पेशेंट की फैमिलीज़ के सामने. इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. डुप्लीकेशन का जो वर्क है उसको अवॉइड करना चाहिए. टेल अस अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सप्लाई एंड इक्विपमेंट. इट यूजेज ओनली स्टैंडर्ड एब्रिविएशन. जो प्रॉब्लम्स हैं सप्लाईज होती हैं इक्विपमेंट हैं वो सिर्फ यूज़ ओनली है स्टैंडर्ड एक अच्छे ही एब्रिविएशन से जो है यूज़ करने चाहिए. ऑल द एंट्रीज इन हर रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय द इंडिविजुअल हु मेड इट. सारी जो एंट्री है रिपोर्ट की वो उसके अंदर एंटर करनी चाहिए और जो इंडिविजुअल्स को बना रहा है रिपोर्ट को उसके साइन होने चाहिए. टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या क्या होती है इसकी. ओरल रिपोर्ट हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, 24 आवर रिपोर्ट होती है, सेंसर रिपोर्ट होती है, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट होती है और ट्रांसफ़र रिपोर्ट होती है. प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिपोर्ट. फिलिंग ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट के कैसे भरते हैं. प्लेस टाइम अल्फावेट नंबर इसमें होने चाहिए. ऐसे ऐसे हम नंबर की तरह प्लेस भरते हैं उसमें टाइम भरते हैं अल्फावेटिक नंबर से वो भरते हैं. गाइडलाइंस क्या हैं रिपोर्टिंग की. रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अ जनरल मेथड ऑफ राइटिंग. रिपोर्ट जो है प्रिपेयर जो करनी चाहिए वो एक जनरल मेथड राइटिंग से करनी चाहिए सामान्य विधि से. प्रिंटेड फॉर्म्स यूज शुड बी यूज फॉर राइटिंग द रिपोर्ट. प्रिंटेड फॉर्म होने चाहिए रिपोर्टिंग को लिखने के लिए. ऑल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल शुड बी कलेक्टेड टू कम्प्लीट द रिपोर्ट. सारी जो इन्फॉर्मेशन है मटेरियल है उसको कलेक्ट करके एक रिपोर्ट हमें तैयार करनी चाहिए. रिपोर्ट शुड बी कम्प्रहेंसिव एंड बेस्ड ऑन फैक्ट. रिपोर्ट जो है वो कम्प्रहेंसिव होनी चाहिए जो है जो उसकी मतलब बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट जो है बिल्कुल कम्प्रहेंसिव जो है व्यापक एकदम उस वो होने चाहिए सुपरविजन हो चाहिए और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर लिखनी चाहिए. रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर यूजिंग सिंपल वोकैबुलरी. बहुत ही साधारण भाषा में जो है वो रिपोर्ट होनी चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. द रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी कम्प्लीटेड विद अ सिग्नेचर एंड नो निकनेम शुड बी यूज. रिकॉर्ड के अंदर और रिपोर्ट के अंदर कम्प्लीट जब हम रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाते हैं और उसके साथ सिग्नेचर करते हैं तो उसमें कोई भी निकनेम नहीं होना चाहिए. द नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड यूजिंग अ फ्यू वर्ड. जो उसकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो ही लिखनी चाहिए. फालतू की लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखना चाहिए. या ये नहीं है कि पूरा पेपर ही बना दिया उसके डिसीज़ जो भी उसको डायग्नोज कर रहा है तो पूरा लंबा चौड़ा लाइन टू लाइन बना दिया. सिर्फ कुछ ही फ्यू वर्ड्स में उसको जो है रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग बनाने चाहिए इन्फॉर्मेशन. अ कंसाइज रिपोर्ट और रिकॉर्ड शुड बी कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन.
जो कंसाइनेशन है, जो संक्षिप्त रिकॉर्ड है, या फिर जो उसका रिपोर्ट शुड बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ लॉजिकल फॉर्मेट और ऑर्डर। जो भी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करते हैं ना एक लॉजिकल फॉर्मेट में और ऑर्डर में। दे शुड प्रेजेंट फैक्ट टू गिव टू पिक्चर। जो भी वे शुड जो प्रेजेंट करते हैं फैक्ट गिव्स, उसमें टू ट्रू पिक्चर्स होने चाहिए, टू नहीं है, ट्रू सही पिक्चर्स उसकी होने चाहिए जो भी उसमें फैक्ट्स डाल रहे हैं। ये तो जो छवि इसको देनी चाहिए वो उसमें सही होनी चाहिए। दे शुड बी कंप्लीट इन डिटेल। कम जो बे कम रिकॉर्डेड रिपोर्टिंग जो है वो विस्तारपूर्ण जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। दे शुड बी रिटन इन अ वे टू इन्वॉल्व मिनिमम क्लरिकल वर्क। और वे जो मतलब उसमें जो रिटन हम रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग लिख रहे हैं, उसमें जो कार्य हम शामिल कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं एक, तो वो जो एकदम न्यूनतम क्लरिकल वर्क होना चाहिए, एक मिनिमम वर्क होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनाटॉमी का चैप्टर लाने वाली हूँ, द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।